ब्लॉक समिति लंबागाम में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की कुर्सी पर भाजपा का कब्जा बरकरार रहा। अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के लिए आम सहमति न बनने के बाद चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया के तहत भाजपा ने अध्यक्ष पद के लिए कुलवंत राणा व उपाध्यक्ष के लिए कुहन बाढ़ से अश्विनी को मैदान में उतारा। दूसरी ओर कांग्रेस ने विजय कुमार को अध्यक्ष व विनय खरोटिया को उपाध्यक्ष के लिए मैदान में उतारा। कुल 20 सदस्यों वाली ब्लॉक समिति में भाजपा के कुलवंत राणा को जहां 14 मत मिले तो वहीं उपाध्यक्ष को 10 मत मिले। दोनों के मत बराबर होने पर निर्वाचन अधिकारी ने दोनों की पर्ची डाली जिसमें अश्विनी विजेता रहा और उसे उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया। इस अवसर पर मौजूद जयसिंहपुर के विधायक रविंदर धीमान ने कहा कि बीडीसी लंबागाम पर भाजपा समर्थित प्रत्याशियों की जीत जयसिंहपुर क्षेत्र की जनता की जीत है। क्रॉस वोटिंग होने से चर्चा का बाजार गर्म हो गया। क्रॉस वोटिंग भाजपा ने उपाध्यक्ष के लिए किया, कांग्रेस की ओर से अध्यक्ष पद के लिए। दोनों ही ओर से आरोप प्रत्यारोप जारी है क्योंकि चुनाव से पहले दोनों ही पक्ष पूर्ण बहुमत का दावा कर रहे थे। PLTV न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट जयसिंहपुर।